पंचायत समिति हॉल फतेहपुर में आज पंचायत सचिव, जीआरसी, तकनीकी सहायक व अधिकारियों व कर्मचारियों की समीक्षा बैठक विधायक भवानी सिंह पठानिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विकास खंड अधिकारी रणविजय सिंह कटोच व ब्लॉक समिति अध्यक्षा निशा शर्मा मौजूद रही। वहीं इस मौके पर मौजूदा पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य को विधायक के समक्ष रखा गया। वहीं विधायक ने अधिकारियों व कर्मचारियों को आदेश देते हुए कहा कि गरीब व्यक्ति के कार्यों को तवज्जो दी जाए व तय समय सीमा से पहले उनके कार्य किए जाएं। वहीं पंचायतों में रुके हुए विकास कार्यों के गति प्रदान करते हुए समय सीमा पर पूरा करने के अधिकारियों, कर्मचारियों व पंचायत सहायकों को आदेश दिए गए। भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि पंचायतों में कोविड काल के समय जो काम अधर में लटके हुए हैं, जल्द उन्हें पूरा किया जाए। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने समय पर कार्यों के एस्टीमेट न बनने व कर्मचारियों की कमी होने की समस्याओं को भी विधायक के समक्ष रखा, जिस पर विधायक महोदय ने जल्द ही इन समस्याओं को हल करने के आदेश संबंधित विभाग को देते हुए कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए इस मामले को सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया है। बेसिकली ये ब्लॉक की मीटिंग थी, काफ़ी टाइम से हम करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप देखिए पिछले तकरीबन 2 साल से जो भी पंचायती राज का सिस्टम है वो थोड़ा मतलब उस तरीके से डिसरप्ट हुआ हुआ था कोविड की वजह से। अब नई पंचायतों की फॉर्मेशन पिछले साल जनवरी के आसपास हुई है, उसके बाद आम इजलास जो है इस साल अक्टूबर नवंबर के आसपास शुरू हुए हैं, और अभी क्या है कि जितने भी आपके मनरेगा के और बाकी जो 15 बुद्ध के सेल्फ हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो काम रुके हुए पड़े थे इतने टाइम से उसको दोबारा से एक बार सुचारू रूप से स्टार्ट किया जाए। और एक था कि हमको अपनी प्रायोरिटी बतानी थी कि विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में जो 5 या 6 प्रमुख कार्य हैं वो कैसे प्रायोरिटाइज करें, और दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टाफ है हमारा, जो पूरी पंचायती राज सिस्टम का जो स्टाफ है ब्लॉक फतेहपुर का, उनकी जो जो समस्याएं हैं वो जानना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि मतलब ये सिर्फ 1-way ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब हम सिर्फ डिमांड नहीं कर सकते, जो समस्याएँ पंचायत लेवल पे आ रही है उनको हटाना जो है वो हमारा काम है, वो हम सभी का काम है, मतलब चाहे वीडियो साहब हो चाहे मैं हूँ, तो हम उनकी हमने समस्याएं सुनी है और जो जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको मतलब अभी बजट सत्र से पहले या उसके बीच में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। देखने में आया बैठक में कि जो काम रुके हुए हैं उनकी मेन कारण जो कि एस्टिमेट ना बन पाना देखा गया है, क्या कारण है कि मौके पर एस्टिमेट नहीं बन पाते हैं सर? तो सर क्या लगता है कि विषय में जो विकास की गति है वो बढ़ेगी ब्लॉक की तरफ से, विभाग की तरफ से? विकास की गति भी बढ़ेगी, काम भी बढ़िया होगा, तो उसके लिए जो वो पूरा विभाग हमारा जो प्रयत्न करते हैं, हमें निर्देश दिए उसका पूरी तरह से हम पालन करेंगे।